नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Poco M5 versus Vivo Y02 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.45 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Poco M5 में 2.99 इंच जबकि Vivo Y02 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Poco M5 में 0.35 इंच जबकि Vivo Y02 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Poco M5 में 201 ग्राम जबकि Vivo Y02 में 186 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Poco M5 में 6.58 इंचेस जबकि Vivo Y02 में 6.51 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Poco M5 में 1080x2408 और Vivo Y02 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Poco M5 में 83.92% जबकि Vivo Y02 में 82.58% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Poco M5 में 401 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Vivo Y02 में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Poco M5 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Vivo Y02 की बात करें तो इसमें 1 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Poco M5 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Vivo Y02 की बात करें तो उसमें 2 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Poco M5 में माली G57MC2 जबकि Vivo Y02 में पावर GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Poco M5 में MediaTek Helio G99 और Vivo Y02 में MediaTek Helio P22 मिलता है। बात करें RAM की तो Poco M5 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि Vivo Y02 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 2GB 3GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Poco M5 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Vivo Y02 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB 32GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Poco M5 में अप टू 512GB जबकि Vivo Y02 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Poco M5 में 3 कलर्स जबकि Vivo Y02 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Poco M5 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीज,
6 GB RAM 128 GB स्टोरेज के साथ 1,449 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Vivo Y02 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 2 GB RAM 32 GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस, 3 GB RAM 32 GB स्टोरेज के साथ 8,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो पोको M5 में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo Y02 की तो उसमें 5 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में पोको M5 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M33 5G है, दूसरा टेक्नो स्पार्क 8P है, तीसरा टेक्नो स्पार्क 9 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो स्पार्क 90 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।